बात समझे ना, हम काम करना चाहते थे लेकिन वही हमको निकाल दिया, बोलिए हम क्या करें अब। और बस हिम्मत मत हारिए, मेहनत करते रहिए दिल से। हम बूढ़ा गए तो हम कहाँ जाए दूसरे जगह, हमको तो कहीं ना कहीं सहारा लेना पड़ेगा। और जहाँ भी काम कर रहे हैं, जहाँ भी काम कर रहे हैं, काम करने नहीं हमको दे रहा है, हमारे वीडियो को स्ट्राइक मारते रहे, बताइए हम क्या करें, हम कहाँ जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोनू सत्या और आप सब देख रहे हैं साई न्यूज सीरीज। तो मैं आप लोग को बता दूं जो कि बिहार के सुपर स्टार बहुत ही अच्छे कॉमेडियन जो कि आप लोग जानते हैं मनी मीरा जी, जो कि इनका कोई भी कॉमेडी आता है आप लोग के आशीर्वाद से अच्छा खासा चलता है। तो आज भैया से खास बातचीत होगा तो आप लोग बने रहेगा। सबसे पहले भैया आपको चैनल में स्वागत है। धन्यवाद, जितना भी श्रोतागण देख रहे हैं सबको नमस्कार सलाम। सबसे पहले दिल से धन्यवाद जो कि आप एक बिहार से हैं और अपने कल्चर को उठा के कॉमेडी के माध्यम से अपने दर्शकों को देते हैं और काफ़ी लोग इंटरटेनमेंट करता है और बिहार में रह के ये चीज़ होता है, तो सबसे पहले इसके लिए आपको बहुत बधाई। हाँ देखिए, क्या है कि ये चीज़ गाँव का जो कंटेंट है ये लोग दिखाते नहीं थे और अपने गाँव में स्टार्ट कर दिए। दिल्ली मुंबई जाने क्या जरूरी है, और अपने गाँव में बना सकते हैं, बस कुछ अच्छा कीजिए, कुछ नया कीजिए। अच्छा, इस चीज़ को आप कैसे सुने, बहुत लोग जाते हैं दिल्ली मुंबई अलग अलग जगह पर जाके करते हैं, बट आप बिहार से ही क्यों सोचे कि मुझे यहीं से चीज़? भाई बॉम्बे में जाके खट के आल बनी मर्दे, वो तो जानते नहीं है, लेकिन कुछ वहाँ का स्ट्रगल है तो बता दीजिए। स्ट्रगल का थी, लाइट मैन लाइट उट लगाया है जाके फिल्म शूटिंग में बॉम्बे में। तब बताइए मनी मीराज को इतना नहीं, मतलब शुरू से उन्होंने स्ट्रगल किया है, लाइट मैन का काम किया, उसके बाद यहाँ तक पता है स्ट्रगल। देखिए बहुत लोग आज के डेट में सोशल मीडिया आ गया है, यूट्यूब शॉर्ट प्लेटफॉर्म, पहले सब नहीं था, बस एक टीवी या सिनेमा था, टीवी बहुत कम भी थी और सिनेमा था, तो लोग मुंबई ही स्ट्रगल करते थे। भैया थोड़ा सा अभी हाल फिलहाल आपका संपापड़ी वाला वीडियो आया है, थोड़ा सा उसमें से जो आपका लाइनिंग फेवरेट चल रहा है फर्स्ट वाला जो है, थोड़ा सा हमारे ऑडियंस को बता दीजिए। अच्छा, मतलब डायलॉग जो था, देखिए एक डायलॉग जो था उसमें ज़्यादा वायरल हो रहा है, और एक बाल आते हैं बेचने का, अरे साला कहाँ से ले रहे हैं, अरे टेढ़ा मेरा उड़ा रखे, बाकी इस तरह था डायलॉग, वहाँ भूल गया, टेढ़ा मेरा ऐठा ऐठल बा, ऐसा ही कुछ था डायलॉग, थोड़ा भूल रहे हैं, और ऐसा कुछ डायलॉग था। अब डायलॉग बोलते बोलते थक गए हैं, कितना दिन भर में 50 लोग बोल रहे हैं डायलॉग। अच्छा, ये चीज़ जो पहले होता था, लेकिन आप कैसे सोचे कि मुझे इस चीज़ हमारे दर्शक को देंगे तो शायद वो पसंद ही कर लेंगे? और इस चीज़ को जो लिखने वाले हैं कौन लिखते हैं ये भी बताइए अपने ऑडियंस को, जो कैमरा का पीछे का जो हिट पावर है ये चीज़। देखिए 90% डायलॉग मैं लिखता हूँ। अच्छा, और बाकी टीम का शो रहता है शशि भाई का, और बस। अच्छा, अभी टीम में अभी आपका सब लोग अवेलेबल नहीं है, आप है और सैफ भाई है और एक और लोग हैं, लेकिन जो शशि भाई है और एक और जो गुड़बड़ी बंटी जी, वो लोग भी आपके साथ अभी नहीं आए, क्या वजह है? देखिए उन लोगों के पास कुछ काम था और कुछ मजबूरी रहती है, तो हम लोग आज शाम तक शूट किए हैं 3 बजे तक, उसके बाद हम लोग उधर से निकल गए जी। अभी नेक्स्ट वीडियो आपका किस तरह का आने वाला है, कॉमेडी में बात किया जाए? एक कॉमेडी में अभी मेरा कॉमेडी शूट हो रहा है, बहुत जल्द आएगा। किस तरह का, थोड़ा सा कर दीजिए झलक ताकि लोग इंतजार करें। झलक मारेंगे तो पूरा पर्दे पे आ जाता है, हल्का सा थोड़ा सा दे दीजिए ना, हम प्लीज सॉरी माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि नहीं बता सकते हैं, क्योंकि हमारा कंटेंट बहुत चोरी होता है, हाँ थोड़ा इसलिए। अच्छा, आपने इससे पहले बताया था कि मुझे फिल्म का भी ऑफर मिला, बट आप अच्छे अच्छे लोग जब आपको कॉन्टेक्ट मिलाते तो आप फिल्म उन लोगों पर जैसा क्यों नहीं करना चाहते? आप हर बार मुझे पर्सनली इससे पहले 1-2 साल पहले बोले कि जब भी मैं करूँगा तो अपनी मर्जी से, तो कब आपका वो चीज़ आता मूवी? बहुत जल्द। किस तरह का लाइएगा? और फिल्म आने के बाद चला गया किस तरह का? फिर भी बहुत लोगों का शौक होता है कि बहुत लोग भोजपुरी से भागते हैं, कहीं नहीं भागेंगे, ये चीज़ नहीं भागेंगे, जब मैं फिल्म करूँगा उससे नहीं भागेंगे, उसमें कॉमेडी रहेगा आधा से ज़्यादा। आधा, हाँ। अच्छा, भोजपुरी इंडस्ट्री में आप आइडियल किन्हें मानते हैं जिनसे कुछ सीखते होंगे? सबसे पहले भोजपुरी में मैं सभी लोगों को पसंद करता हूँ, जो जिनका यकीन मुझे अच्छा लगता है, जैसे कि दिनेश लाल निरहुआ हो गए, खेसारी भैया हो गए, पवन जी हो गए, सब अच्छे हैं, अच्छा काम। अच्छा मनी मीरा जी, आप अपने ऑडियंस को एक ऐसा चीज़ बताइए जो कि हर समय आपको, जब जिस समय कुछ नहीं थे उस समय, मतलब स्ट्रगल के लाइफ में कुछ मोटिवेट ऐसी कुछ बातें हैं ताकि हमारे ऑडियंस के बीच बताए, ताकि कुछ जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, जो लोग हैं उनको कहीं ना कहीं आप सभी से कुछ सीख मिले, ये चीज़ थोड़ा सा परोसिए। देखिए, अगर आप जो भी कुछ करना चाहते हैं, आपका जो मकसद हो उसके पीछे मेहनत कीजिए और बस हिम्मत मत हारिए, मेहनत करते रहिए दिल से। बताइए ऑडियंस को, बहुत सारा न्यूज है, ब्रांड न्यूज है लाइव। तो सबसे पहले जितने भी ऑडियंस देख रहे हैं उनको हाथ जोड़ के नमस्कार। आई मेहमान जी हथिन, कुछ बोला था, बोल थीन सकल
आप लोगों का नाम क्यों रखा गया तो स्क्रिप्ट में था स्क्रिप्ट में था। अच्छा मणि मिराज के साथ आप मतलब शुरू से जुड़े हैं कि बाद में शुरू से मणि भाई के लिए कुछ बताइए। मणि भाई के लिए क्या बताए, जितना बताया बोला जाए उनके लिए बहुत कम है। बहुत अच्छा लगता है। नेक्स्ट मतलब क्या चीज़ आ रही है, ट्रॉफी क्या रहा है? नेक्स्ट भी बहुत अच्छा, हम लोग पहले नहीं बता पाते हैं क्योंकि टीजर के द्वारा आपको ये भी रियलिटी दिखाएंगे। अभी आने वाला है वीडियो हमारा, हम लोग गांव से जो जुड़ा रहता है ना, मतलब जो गांव नगर से अभी जुड़ा है वही चीज़ दिखाएंगे। पापड़ी का कुछ अगर डायलॉग आपको तो बताइए, जिसमें अभी अच्छा काम किए हैं बच्चे का। जितने भी श्रोता है हमारे, डिब्बा बेचने आते हैं, लोटा बेचने आते हैं तो बोलते हैं कितना दे पाता, 2 रुपया, 1 रुपया, 1 रुपया। हम ही बोलते हैं तो 2 रुपया के सम्पापुरी दे दो, 1 रुपया के पोंफी। काफ़ी प्यारा लगता है। तो जितने भी हमारी ऑडियंस है, ये थे मणि मिराज जी। तो आप सभी भाई इनको जितना भी सपोर्ट करते और भी सपोर्ट दीजिए, और ये कॉमेडी के साथ साथ एल्बम फील्ड में भी आ गए हैं तो काफ़ी गर्व होता है कि हमारे भोजपुरी का कलाकार आगे बढ़ते हैं। तो आई होप कि आप सभी को यह इंटरव्यू अच्छा लगा होगा, तो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।